जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो जो भी नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे दोस्तों, 45,000 अभ्यर्थियों को टाइपिंग में बुलाया जाएगा और 52,728 जो स्टूडेंट हैं वो मेंस में क्वालिफाई किए थे। अगर 45,000 अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों, तो बाकी बच गए 7,228 स्टूडेंट क्या करेंगे, ये सवाल है। तो बहुत सबका कमेंट यही आ रहा था दोस्तों, कि मेरे व्हाट्सएप पे भी आ रहा था, मेरे ग्रुप है उसमें भी मैसेज आ रहा था, और पर्सनली मुझे बहुत सारे कल कॉल आए और मैसेज भी आए कि 7,000 स्टूडेंट में कहीं वो तो स्टूडेंट नहीं है जो कि फिजिकल में पास किए हैं दोस्तों, जो कि फिजिकल में पास किए हैं। तो वो लोग बहुत ही डर गए हैं जिनका कि फिजिकल में नाम है, उन्हें लग रहा है कि उन्हें जो है एलिमिनेट कर दिया गया है टाइपिंग लिस्ट से, क्योंकि यहाँ जो है 45,000 अभ्यर्थियों का ही टाइपिंग लिया जाना है। तो इस पे चर्चा, फुल चर्चा होगी दोस्तों, उसके लिए टेंशन नहीं है। जो भी निष्कर्ष होगा मैं विद प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट के एक नोटिफिकेशन, जब निकला था, जब हमारा मेंस का रिजल्ट निकला गया था 25 फरवरी को, आप देख पा रहे होंगे ज्ञापांक संख्या इतना। चलिए मैं इसे दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि जिनका भी नाम फिजिकल में है वो घबराए नहीं। ये चीज़ देखिए ध्यान से और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो विज्ञापन संख्या इतना, प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग पाए गए 52,784 अभ्यर्थियों का परीक्षाफल आयोग के वेबसाइट इतना पर प्रकाशित कर दिया गया है। कोटिवार न्यूनतम अर्हतांक के आधार पर योग पाए गए अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है। चलिए और देख लेते हैं दोस्तों, अधिक नोट बहुत ही यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो नोट में क्या दिया गया है, पहला नोट में हम लोग पढ़ते हैं, संलग्न सूची में अंकित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थियों में से मेधाक्रम एवं पद विकल्प के अनुसार शारीरिक क्षमता जाँच वाले पदों के विरुद्ध रिक्ति के 5 गुना अभ्यर्थियों की सूची शारीरिक जांच माप हेतु आयोग के वेबसाइट पर शीघ्र अपलोड की जाएगी। देखिए दोस्तों, साफ साफ यहाँ स्पष्ट अक्षरों में लिखा गया है कि मेधा क्रम और पद विकल्प के अनुसार, यानी जिनको भी अगर मान लीजिए यहाँ दोनों कंडीशन हम लोग अप्लाई कर देते हैं, जो कि फिजिकल में यस किए हैं, फिजिकल में जो है यस किए हुए हैं, और जिनका कि रैंक ऊपर से है, और पद विकल्प यानी टॉप 5 या टॉप 10 में जो है वो फिजिकल को रखे हुए हैं, तो उनका नाम आएगा। तो दोस्तों मैं आपको हजारों तो नहीं, कम से कम 10-20 तो ऐसा ज़रूर प्रूफ दिखा सकता हूँ कि जो अपना जो पद विकल्प है सबसे लास्ट से रखा हुआ है फिजिकल को, उनका भी लिस्ट में नाम है। मैं आप बोलिएगा तो मैं इस पर एक भी एक वीडियो लेके आ जाऊँगा कि जिनका रोल नंबर फिजिकल लिस्ट में है और वो पद विकल्प फिजिकल वाले का सबसे नीचे दिए हैं, उनका भी रिजल्ट है। और यहाँ देख रहे होंगे मेधाकर्म, यानी आप सोचिए जिनका कि फिजिकल में नाम है, वो जो डर रहे हैं, वो डर के मारे जो बार बार मैसेज कल से कर रहे हैं, फ़ोन भी कर रहे हैं। एक्चुअली मैं कल ऑफिस में था तो मैं आपका फ़ोन पिकअप नहीं कर पाया दोस्तों, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं जहाँ तक हुआ जिनका भी हो सका मैंने रिप्लाई किया हूँ कल तक, तो आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि मैं अगर YouTube चलाता हूं तो मैं आप बस व्यू पाने के चक्कर में वीडियो बनाता हूं और आपका जो भी कंसर्न होता है मेरे साथ मैं उसको पूरा नहीं कर पाता हूं। मैं जैसे टाइम मिलता है दोस्तों मैं आपके लिए जो है एक वीडियो ही सोचा लेके आ जाऊं, जिससे जो भी कन्फ्यूजन है दोस्तों सब जो है क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए मेधाकर्म लिखा हो गया, अगर हम मेधाकर्म ही देख लेते हैं, पद विकल्प ही देख लेते हैं दोस्तों, तो उसके अनुसार भी अगर 45,000 का स्टूडेंट अगर लिया जाता है, तो उसमें आप क्या 45,000 के बाद जो स्टूडेंट बचते हैं उसमें आपका नाम होगा? तो ऐसा कदापि नहीं होने वाला है दोस्तों। ये 7,000
7,284 स्टूडेंट जिनका कि टाइपिंग नहीं लिया जाएगा दोस्तों, वो वैसे ही स्टूडेंट हैं जो कि टाइपिंग में नो किए हैं, टाइपिंग में नो किए हैं, उन्हीं को जो है टाइपिंग टेस्ट में नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि आप साफ साफ देख पा रहे होंगे, मैं दो नंबर पढ़ के सुनाता हूँ दोस्तों। योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची में से टंकन एवं आंसू लेखन की परीक्षा हेतु विकल्प के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट पर शीघ्र ही अपलोड की जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है रिक्तियों के विरुद्ध 5 गुना को लिखा गया है स्पष्ट रूप से, मगर यहाँ कोई गुना नहीं लिखा कि 5 गुना लूँगा, 10 गुना लूँगा। इसके भलो पहले न्यूज के माध्यम से आयोग ये बता रही थी कि मैं 25 से 30 हज़ार स्टूडेंट का टाइपिंग लूँगा, मगर जब ये नोटिफिकेशन निकला था दोस्तों, जब हम लोग इसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं तो यहाँ पे 5 गुना या 10 गुना का बात नहीं किया गया है, मगर फिजिकल पोस्ट में जो है 5 गुना का बात किया गया था। तो उसमें जो है 5 गुना रिजल्ट दिया गया दोस्तों, तो इसमें कोई बात नहीं था। आयोग जो कि जो भी यस किए हुए हों टाइपिंग में, कंप्यूटर टाइपिंग यस, इंग्लिश टाइपिंग यस, या हिंदी टाइपिंग यस, या कंप्यूटर संचालन में भी यस किए हुए हैं, तो उनका भी नाम इसमें ज़रूर होगा दोस्तों, मैं यही बोलूँगा। और स्पेशल ये वीडियो उन सभी के लिए है जिनका के नाम फिजिकल लिस्ट में है। तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा, आप घबराइए नहीं, आप आराम से फिजिकल और टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। वैसे तो मैं बता दूं कि टाइपिंग स्पीड का कोई चर्चा ही नहीं किया जाएगा आयोग के द्वारा, क्योंकि ये साफ साफ नियमावली के विरुद्ध होगा। अगर इस चीज़ में कोर्ट केस होता है तो आयोग जो है 101 से 2 हियरिंग में जो है वो केस हार जाएगी दोस्तों। और मैं बोलूँ तो आयोग ऐसा करेगा ही नहीं, कहीं भी स्पीड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जिक्र ही नहीं करेगा दोस्तों। तो आप लोग 30 और 40, फिर भी मैं बोलूँगा 30 और 40 का टारगेट मान के टाइपिंग करते रहें दोस्तों। तो वीडियो का सार यही है दोस्तों कि ये वाले जो में जिसका नाम है शारीरिक दक्षता वाली, फिजिकल वाले में जिनका भी नाम है, तो वो डरिए मत, और आप जो है सेफ जोन में है। ये 7,000 जो स्टूडेंट हैं वो टाइपिंग में नो किए हैं, उनका ही टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। अगर ये 7,000 स्टूडेंट में जिनका कि नंबर अगर अच्छा आ रहा है, 120 आ रहा है, तो वो नन टाइपिंग जो पोस्ट होता है आपका, अभी जो जैसा कि आयोग के द्वारा बताया गया है, नन टाइपिंग पोस्ट आपका राजस्व कर्मचारी और कनीय लेखालिपिक है, अगर उनमें उनका कट पार करते हैं तो उनका मेरिट बनेगा, नहीं तो ये 7,000 जो है सीधे बाहर दिखते हुए नज़र आएंगे। और जो टाइपिंग में पास करेंगे उनको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा, तो 1.5 गुना बुलाने का जो है रूल होता है, मगर हम लोग यूट्यूब के माध्यम से 2 गुना बुलाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट 2016 वाले हैं, अगर वो काउंसलिंग के दौरान अगर छटते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा ही, इसलिए हम लोग 2 गुना काउंसलिंग का मांग करेंगे। छोड़िए ये तो बाद की बात है, इसके लिए भी लगातार वीडियो बनता रहेगा। तो आप लोग यूं ही दोस्तों सपोर्ट करते रहिए हमारे इस YouTube चैनल को। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।